हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में हमें किन्हीं भी तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर है? ठीक है ना, तो तीन वेक्टर्स मान लो हमें लिख लिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है ना, तो इनका हमें प्रोडक्ट करना है और हम देख रहे हैं अभी कि कौन कौन से प्रोडक्ट वैलिड होंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट वैलिड नहीं होंगे। तो मान लो कुछ इस तरीके से मैंने प्रोडक्ट किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देखो इसकी बात करें सबसे पहले, या फिर पहले लिख लेते हैं, लिख लियो चलो ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, या फिर हम करें ए वेक्टर क्रॉस बी, सॉरी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना, या फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है ना, या फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो हमने कुछ छह प्रोडक्ट लिखे तीन कि नहीं भी तीन वेक्टर्स के। ठीक है ना, तो हमें इनमें से जो वैलिड प्रोडक्ट है वो हमें निकालना है कि कौन सा हमें वैलिड मिलेगा, जो प्रोडक्ट रियल में होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये होता ही नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये दूसरा वेक्टर क्या है, ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है ना, अगेन ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी का मैं ए वेक्टर के साथ में ना तो डॉट कर रहा हूँ ना क्रॉस कर रहा हूँ। और आपको यहाँ बताया मैंने कि स्केलर क्वांटिटी का हम किसी भी वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, कोई दो वेक्टर चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी वैलिड नहीं होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए। बात क्लियर है? अगेन इसमें अगर देखें तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी। क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ, कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमें वैलिड मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए। बात क्लियर है? इधर आ जाओ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, वैलिड होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए। बात क्लियर है? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और कोई किन्हीं भी दो वेक्टर्स का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में ना तो क्रॉस प्रोडक्ट होता रहा है ना ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए वैलिड नहीं होगा। अगेन बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, और किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मैं किसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकता, किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के लिए क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। तो हम सिर्फ इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। बात समझ में आई? अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगेन क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। इसको इसीलिए हम कहते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। यहाँ आ जाओ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इसका मतलब इसे हम कहते हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा सदिश त्रिक गुणन। ठीक है ना, यहीं पे इससे हमने क्या कहा, अदिश त्रिक गुणन। ठीक है ना, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इसकी, क्योंकि हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है पहले, उसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है ना, तो अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लेंगे ये, वरना स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लिख लेंगे। वैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम हिंदी में कहते हैं अदिश त्रिक गुणन, ये हमने समझा थोड़ी देर पहले, अदिश त्रिक गुणन। ठीक है ना, तो किस तरीके से होता है ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम लिख लेंगे। जैसे नंबर वन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, नंबर सेकंड कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तरीके से। ठीक है ना, विदाउट कॉमा, ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हम किस तरीके से ले सकते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए बॉक्स के अंदर विदाउट कॉमा, और इसी वजह से इसे हम कहते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसको हम, बॉक्स प्रोडक्ट। बात क्लियर है, ठीक है ना। नंबर थर्ड कि यदि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करना है तो किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको एंगल गिवन है तो आप सबसे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड करोगे। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमें एक वेक्टर देगा, मान लो डी वेक्टर दिया, फिर इस डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में आपको डॉट प्रोडक्ट करना है कंपोनेंट्स के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें एंगल नहीं गिवन है तो हम इसे फाइंड करेंगे कंपोनेंट्स के रूप में। जैसे आपने इधर समझते हैं, जैसे आपने बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया तो आपने क्या किया इसको कंपोनेंट्स के रूप में, आई कैप जे कैप के कैप एंड बी वन बी टू बी वन बी टू बी थ्री बी वेक्टर कंपोनेंट्स सी वन सी टू सी थ्री सी वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप, ठीक है ना। तो हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या कुल या इसको आप लिखो ए वेक्टर बॉक्स के अंदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट्स के रूप में, क्या लिखेंगे सबसे पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, ए वन ए टू ए थ्री, फिर बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, बी वन बी टू बी थ्री, फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आ जाएगा, सी वन सी टू एंड सी थ्री। इस तरीके से बात क्लियर है, ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट्स कॉपी कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट नंबर फोर, नंबर फोर है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, ठीक है ना। पैरेलल पाइप्ड को हम हिंदी में कहते हैं समांतर षटफलक। तो हमें समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। तो मैंने 3D कार्टेशियन प्लेन में एक पैरेलल पाइप्ड पहले ही बना लिया है, बात क्लियर है, ठीक है ना। वैसे मैं लिख देता हूँ कि जो पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम है वो होता है बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, या फिर आप कहो इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है, ये भी एक रिजल्ट के रूप में ले सकते हैं हम, कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड देता है, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ निकालने के लिए यहाँ पर पॉइंट्स मान लेते हैं, लेट इसे आपने ओ माना, इसे आपने ए माना, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी ई एफ एन जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने पॉइंट्स मान लिए। तो इस पर जो वेक्टर है वो बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर, और ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर। इस तरीके से हमने माना, बात क्लियर है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। फाइनली हमें क्या मिल गया, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ठीक है ना। मतलब इस नीचे वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल गुणा इस समांतर षटफलक की ऊंचाई जो होगी वो हमें क्या देगी, समांतर षटफलक का आयतन देगी, बात क्लियर है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना, ये तो सिंपल है। तो देखो इस समांतर षटफलक का जो एरिया होगा, हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा यहां पर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हमने बात की थी, है ना। हमने बात की ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बात क्लियर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बात क्लियर है, ठीक है ना। अब जो देखो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन है, मतलब इस डायरेक्शन में बी वेक्टर क्रॉस, जब आप सी वेक्टर करोगे, जब आप क्या करोगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो आपको इसका डायरेक्शन कहाँ मिलेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। यानी कि इस जेड एक्सिस को हमें कहूँगा ए वेक्टर क्रॉस, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बात क्लियर है। क्या कहा इसको हमने, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, बात क्लियर है, ठीक है ना। अब मुझे हाइट चाहिए, और आपको पता है यदि ये एंगल थीटा हो तो ये तो त्रिरेक हो जाएगी, सलेंट हाइट हो जाएगी। हमें चाहिए परपेंडिकुलर हाइट, क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर हाइट। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट ऑफ, क्या लिख रहे हैं हम, हाइट ऑफ
पैरेललो पाइप्ड, पैरेललो पाइप्ड का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ है ओ ए लेंथ इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये वाली हाइट हो जाएगी ना, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो ये वाली है इसकी पैरेललो पाइप्ड की, तो इसकी हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, जो ओ ए लेंथ है वो इंटू कॉस ऑफ थीटा, और ओ ए लेंथ को हम क्या लिख रहे हैं, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात क्लियर है, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले में वॉल्यूम, इस वाले फॉर्मूले में बेस एरिया इंटू हाइट यहाँ हम रख देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप्ड इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। तो बेस एरिया कितना है इसका, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एंड जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बात क्लियर है, ठीक है ना। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो अच्छा कैसे लिख सकते हैं वो भी समझ लो, कि आपने इसको ए वेक्टर माना और इसको बी वेक्टर माना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर मैं लिखूँ, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अगर मैं लिखूँ, तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो ए वेक्टर मतलब मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर यानी मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ, और इसे वापस मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉक्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसका मतलब क्या, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड देता है। बात क्लियर है, ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को लिख सकते हो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरीके से। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। नंबर सेकंड, कि यदि आप इनका साइकिल चेंज कर देते हो, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने आई कैप जे कैप कह के समझा था उस तरीके से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, तो इनका क्रम कुछ इस तरीके से है, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर एंड सी वेक्टर से ए वेक्टर, यहाँ पे इस तरीके समझोगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस तरीके से आपने इसको समझा, ठीक है ना। तो यदि हम इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना, तो इसका हमने साइकिल चेंज किया, मान लो मैंने इसको लिखा इस तरीके से कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है ना, क्या किया हमने यहाँ पर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, वापस उल्टा गए, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या फिर देखो इस तरीके से अगर ना समझो, वैसे यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, अगर आप इस तरीके से ना समझो तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स के अंदर, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर। तो अब हम समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना, अगर मुझे साइक्लिक ऑर्डर इसका चेंज होता है या फिर ब्रेक होता है, तो उस केस में हम इसमें नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। देखो क्या था, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइकिल है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर साइकिल है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, बी वेक्टर के बाद में ए वेक्टर, हम उल्टा जा रहे हैं, लेकिन हमें जाना था बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है ना। अगर मैं इसको बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर लिखता यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव ही मिलता, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ बी वेक्टर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो उसी तरीके से और भी हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने लिखा बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, तो ये नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं इसे लिख दूं, अभी तो साइकिल में है बी सी ए, क्या है बी सी ए साइकिल में है, अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मान लो कोई भी दो वेक्टर्स मैंने चेंज कर दिए, जैसे इसे ए वेक्टर किया, इसे सी वेक्टर किया, इसे बी वेक्टर किया, तो हम उल्टा कर रहे हैं, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर कर रहे हैं, तो साइकिल जब इसका उल्टा हो जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात क्लियर है। नंबर थ्री, अगर कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल हो गए, ठीक है ना, तो उस केस में कोई भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो जाते हैं, तो उस केस में इसका वैल्यू जीरो होता है। मान लो इस तरीके से कि ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा मैंने, या फिर आप लिखो ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, या फिर आप लिखो बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, तो इस केस में इसका वैल्यू होता है जीरो। बात क्लियर है।
ठीक है ना, तो कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट नंबर 6, कंडीशन 4, कोप्लेनरिटी, ठीक है ना, या फिर हम समझें इसको समतलीय होने की शर्त, समतलीय होने की शर्त कि कोई तीन सदिश एक ही समतल में कब होंगे। ठीक है ना, देखो जैसे हम समझते हैं कि मान लो कि ये अपना बी वेक्टर है और ये हो गया सी वेक्टर, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में मुझे मिलेगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि दो वेक्टर तो एक ही प्लेन में हो गए, ये देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये जो बोर्ड है ये हमारा एक प्लेन हो गया, और ये जो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो डायरेक्शन हम लिख रहे हैं वो इस बोर्ड पर नहीं है, वो इस बोर्ड के इस डायरेक्शन में है बाहर की तरफ, तो ये तो हो गया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये हो जाएगा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। अगर समतली होने की शर्त क्या होती है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो अगर हमें मिले तो हम बोलेंगे कि तीनों वेक्टर क्या है समतल में है। किस तरीके से है वो हम समझ रहे हैं कि हमने जब बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किया तो उसका डायरेक्शन हमें ये मिलेगा, ठीक है ना, और इस वेक्टर का यदि मैं डॉट प्लॉट करवा दूं, मान लो कि ये मेरा ए वेक्टर है इस बोर्ड पर, यदि मैं इस बी क्रॉस सी का इस ए वेक्टर के साथ मैं डॉट प्लॉट करूंगा तो आपको पता है कि जब हम जब कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, या हम करें इस तरीके से कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर तो हो गया ये वाला परपेंडिकुलर वेक्टर, और जो ए वेक्टर है वो हो जाएगा जो इस बोर्ड पर है प्लेन पर है, ठीक है ना। और आपको पता है कि दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है अगर वो जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब क्या वो दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर है, तो ए वेक्टर ये हो जाएगा बी क्रॉस सी हो जाएगा। लेकिन हम क्या समझे कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तो एक ही प्लेन में आ गए, ठीक है ना। तो यही है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी या समतली होने की शर्त कि यदि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर यदि जीरो के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं एक ही प्लेन में है, बात क्लियर है, ठीक है ना। तो कॉपी कर लेंगे इसे भी। तो नेक्स्ट 7 है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। तो टेट्राहेड्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं चतुष्फलक, तो हमें चतुष्फलक का आयतन लिखना है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन तो ये होता है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है ना, पैरेललोपाइप्ड। तो क्या समझे कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, और पैरेललोपाइप्ड हमने क्या समझा कि 1/6 पैरेललोपाइप्ड क्या होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का जो 1/6 पार्ट है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, या इसको हम समझें कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का जो 1/6 होगा वो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है ना। तो इस बात को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो कॉपी कर लेंगे इसे भी।